9 साल की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। ऑटो चालक ने यह दुष्कर्म किया है। मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ ये ऑटो चालक लेकर गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, यानी ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। सिंधवा पुराना बस स्टेशन पर चक्का जाम स्थानीय लोगों ने किया है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसने 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ये ऑटो चालक है, इसने मासूम को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। आवेश अहमद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आवेश, जरा बताइए ये हमारे दर्शकों को कि अभी भी क्या वहाँ चक्का जाम है और लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं वो लोग? जी हाँ, देखिए बताना चाहूंगा कि कल देर रात की घटना है। एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र 11 साल, महज 11 साल की थी, उसे एक ऑटो चालक बहला फुसला कर ले गया, उसके साथ बहुत ही बुरा कृत्य किया, जिसके बाद पुलिस ने देर रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बालिका, जो मासूम बालिका है, उसे मेडिकल उपचार हेतु बाहर जिला अस्पताल रेफर किया है। फिलहाल बालिका की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी जब सुबह समाज के लोगों को लगी तो लोगों में काफी आक्रोश है। सुबह से ही लोग अपने घरों के बाहर निकल गए। लोगों ने ट्रेन के पुराने बस स्टैंड पर चक्का जाम किया है। अभी भी लोग पुलिस थाने पर हैं, कई सैकड़ों लोग शहर में हैं, बाजारों में हैं, आक्रोशित हैं, शहर का बाजार बंद करा रहे हैं, लगातार आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरोपी के मकान को जमींदोज करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। यानी आरोपी के मकान को जमींदोज करने की मांग कर रहे हैं, चाहते हैं कि बुलडोजर चले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।